जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली आपका बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपका हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ को, कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना क्या गया है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग भी जो है इस कट ऑफ को देख सकते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा उसके लिए गूगल में, और गूगल में आप लोगों को टाइप करना होगा सरकारी जॉब.co, ठीक है। याद रखिएगा सरकारी जॉब.co आप लोगों को जो है यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर टाइप किया है। और इस पर आप लोगों को, इस वेबसाइट पे आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट काफ़ी अपडेट जल्दी देती है, जैसे कि इन्होंने कट ऑफ की भी अपडेट यहाँ पर दे दी है और रिजल्ट की भी अपडेट यहाँ पर दे दी थी, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी बता दूँ कि आप अपना रिजल्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल, ठीक है, 11,880 पोस्ट रिजल्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ को, कि कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप अपनी कट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, सभी जानकारी जो भी अपडेट आता है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी दे दी गई है, और लिंक भी यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट का यहाँ पर दे दिया गया है, डाउनलोड रिजल्ट, ठीक है। तो इस वेबसाइट से अपना रिजल्ट, कट ऑफ, सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ मेल एंड फीमेल को यहाँ पर जो है शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये जो है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसा कि बोला है बिहार पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2019-20, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ गया है वो, क्योंकि बिहार जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है, ठीक है, सीएसबीसी द्वारा जो है इसका कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया, फाइनली सिर्फ रिजल्ट जारी किया गया, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से दिखेगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ संभावित गई हुई है वो कितनी गई हुई है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल है, तो यहाँ पर आप लोगों को हम वही बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन नीचे आप लोगों को कट ऑफ की जानकारी मिलने वाली है। तो देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ कितनी क्या गई है। टोटल यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट थी 11,880, ठीक है। टोटल फॉर्म जो हुए थे वो लगभग जो है 12.65 जो लाख है वो यहाँ पर फॉर्म आए थे। उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपर्ट जो आपका 59,400 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि 100 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 5 गुना यहाँ पर बुलाया गया, तो 11,555, और यहाँ पर अगर 880 का अगर 5 गुना किया जाए तो यहाँ पर लगभग जो है 59,400 जो है हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ कि कितनी क्या गई है। तो यहाँ पर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ जो कि 100 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि कट ऑफ कितना क्या गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल वालों के लिए जो लगभग कट ऑफ अनुमानित गई हुई है वो 72 से लेकर 75 अंक यहाँ पर गई हुई है, जो कि फिजिकल के लिए है। ईवीएस वालों के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो 70 से लेकर 73 के जो ये कट ऑफ है गई हुई है यहाँ पर ईवीएस कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ ये कट ऑफ आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर आप इससे देख सकते हैं अपने गूगल में जाकर, और यहाँ पर भी आप लोगों को जानकारी मिल रही है। ओबीसी वालों के लिए अगर यहाँ पर बात करूँ तो 69 से लेकर 70 यहाँ पर कट ऑफ जाने की यहाँ पर अनुमानित है, जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं वीडियो में कि कितने अंकों पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एससी की अगर यहाँ पर बात करें तो 58 से लेकर 60 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 52 से 55, जो कि ये कट ऑफ जो है आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, जो कि फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ आउट ऑफ 100 नंबर, ये 100 नंबर जो है फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई कि जो कि इस प्रकार से यहाँ पर डाटा था फीमेल का। अब यहाँ पर बात करेंगे मेल कैटेगरी वालों के लिए, तो मेल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्या कट ऑफ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो गई है वो कितनी गई है, ठीक है, सॉरी, जो ऊपर आप लोगों ने कट ऑफ देखी है ये मेल कैटेगरी की है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, फीमेल बोला होगा शायद, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है। जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है 72-75, ये मेल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो जनरल के लिए जो है 45 से 50 लगभग यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। ईवीएस वालों के लिए अगर बात करें तो 41 से 55 कट ऑफ गई हुई है। वहीं ओबीसी वालों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 37 से 42 कट ऑफ गई हुई है। एससी की अगर यहाँ पर बात करें तो जो है 31 से 36 कट ऑफ गई हुई है, और एसटी की अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग 29 से 33 कट ऑफ गई हुई है। तो ये लगभग कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ है। आपके अगर यहाँ पर कोई कमेंट है तो इस वेबसाइट पर जाके आप पूछ सकते हैं, और भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, सरकारी जॉब.co, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप जाइए और विजिट करके देख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।